तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आ चुका हूं अपने न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं मेग्लूलास SCM बोलस के बारे में, जो कि क्या है, मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल्स का एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है। न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट का क्या मतलब है, यह है दोस्तों, प्रोडक्ट लगभग 2 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है और अभी इसकी डिमांड ज़्यादा होने के कारण, या हम लोग कहें ये न्यूली प्रोडक्ट है, पोटेंशियल प्रोडक्ट है, इन सब चीज़ों के कारण हम लोग आज आ चुके हैं इसके डिस्कशन पर। तो ये स्पेशली मेरा वीडियो उन फार्मासिस्ट भाइयों के लिए है जो फार्मेसी रन कर रहे हैं अपनी, या जो भाई हमारे भी न्यूली प्रैक्टिस पे आए हैं उनके लिए है। तो दोस्तों, इसमें अगर इंग्रेडिएंट की बात करें, क्या क्या इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं, तो इंग्रेडिएंट यहाँ पर पड़े हुए हैं फ्लूनिक्सोन, मेग्लूमाइन, सिट्रेजिन, सेरेसियो पेप्टिडेज, और यहाँ पर पड़ा हुआ है मैग्नीशियम ट्राइसिल्केट। तो अगर इसके नाम याद रखने की बात की जाए, तो नाम इसका है मेग्लूलास, मतलब वहाँ पर इनका पहले एक पुराना प्रोडक्ट आता था फ्लूनिक्सोन मेग्लूमाइन के नाम से, तो वह पहले इंजेक्टेबल्स में था, तो उस हिसाब से हम लोग इसका नाम फ्लूनिक्सोन मेग्लूमाइन इस फार्मूले को समझ सकते हैं। और SCM का मतलब क्या है, S फॉर सेरेसियो पेप्टिडेज, C फॉर सिट्रेजिन, एंड M का मतलब मैग्नीशियम ट्राइसिल्केट यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो फ्लूनिक्सोन मेग्लूमाइन है, एक पावरफुल NSAID प्रोडक्ट है, मतलब हम लोग उसको कह सकते हैं नॉन स्टेराइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो वह ड्रग क्या कर रहा है, वह ड्रग COX-1, COX-2, COX-3 तीनों को इनहिबिट कर रहा है, मतलब COX-1, COX-2, COX-3 बहुत ट्राई ब्लॉकर है ये प्रोडक्ट। इसमें क्या हो रहा है, पेन, स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन, इन जैसी कंडीशंस पे क्या हो रहे हैं, ये जैसी कंडीशंस जो हैं उनको क्या कर रहे हैं, ओवरकम कर रहे हैं, ठीक है। तो पेन, फीवर, इन्फ्लामेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर रहा है ये फ्लूनिक्सोन मेग्लूमाइन हमारा। और यह क्या है, न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, अभी इसके पहले मार्केट में इस जनरेशन का कोई अच्छा, या हम लोग कहें इस कैटेगरी का कोई भी NSAID लॉन्च नहीं हुआ था। तो अब यह है जो दर्द निवारक चीज़ें हैं वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम करेगा, तो अभी हम लोग वहाँ पर पर्टिकुलर उन चीज़ों को भी जानेंगे। तो अगर हम लोग फ्लूनिक्सोन मेग्लूमाइन की यहाँ पर बात करें, तो ये है 2000 mg यहाँ पर पड़ा हुआ है, और यह क्या करता है, इनहिबिट पेन, फीवर एंड इन्फ्लामेशन लाइक कंडीशंस। तो वहाँ पर बुखार, दर्द, सूजन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कम हो जाएंगी अगर इसको आप दे रहे हैं। तो कहीं पर आप देख रहे हैं कि पेन भी है और उसको फीवर भी है पेन के कारण, और रेडनेस भी है, तो वहाँ पर भी आप उसको, आप लोग उसको दे सकते हैं। और दूसरी बात क्या है इसमें दोस्तों, दूसरी बात यह है कि यह इंडोटॉक्सिन न्यूट्रलाइजेशन एबिलिटी यहाँ पर होती है। इंडोटॉक्सिन का मतलब क्या है, शरीर के अंदर की जो भी जो टॉक्सिन हैं उनके वजह से, जो भी मान लीजिए कभी फीवर आ जाता है, तो कभी कभी क्या होता है कि अपने शरीर के अंदर कुछ ऐसे टॉक्सिन्स बन जाते हैं जो क्या करते हैं, फीवर कॉज कर देते हैं, या कहीं पर इन्फ्लामेशन कॉज कर देते हैं, या कहीं पर इचिंग कॉज कर देते हैं। तो उनके जो इंडोटॉक्सिन्स हैं वो जो बन रहे हैं उनके कारण भी ये जो पेन, फीवर, इन्फ्लामेशन जैसी समस्याएँ आ रही हैं उन, तो उनके भी न्यूट्रलाइजेशन पर भी ये अच्छा वर्क कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों सेरेसियो पेप्टिडेज नेक्स्ट प्रोडक्ट है, मतलब यहाँ पर जो दवा पड़ी हुई है वो है सेरेसियो पेप्टिडेज, तो वह ली गई है यहाँ पर 120 mg। तो सेरेसियो पेप्टिडेज क्या है, सेरेसियो पेप्टिडेज के यहाँ पर तीन वर्क जो कंपनी का बताने का प्रोसेस है अपना बता रही कंपनी, वहाँ पर तीन वर्क पर ये यहाँ पर बता रही, पहला है फाइब्रोनोलाइटिक, दूसरा है एंटी बायोफ्लेमिक, और तीसरा है एंटी एडिमिक। तो अब हम लोग कैटेगरी वाइज जानते हैं कि ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे देना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है फाइब्रोनोलाइटिक, फाइब्रोनोलाइटिक का मतलब क्या होता है, फाइब्रिन्स को तोड़ना। अब वह फाइब्रिन चाहे ब्लड का क्लाट हो या कोई अन्य टिशू का पार्ट हो या कुछ इस प्रकार की ग्रोथ हो गई हो जो क्या हो अपने शरीर में इन्फ्लामेशन कॉज कर रही हो या पेन कॉज कर रही हो, उन सारे चीज़ों को वहाँ पर ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर फाइब्रोनोलाइटिक में बताया गया है कि हेल्प्स इन डिजोल्यूशन ऑफ फ्लेक्स क्लॉट्स इन मैस्टाइटिस मिल्क एंड प्रिवेंटिंग फाइब्रोसिस इन अडर। तो मतलब ये जो फाइब्रोसिस हो रही है अडर में, वहाँ पर भी ये अच्छा वर्क कर रही है। या आप लोग देखते होंगे दूध में जो सफ़ेद कलर के कुछ क्लॉट्स आ जाते हैं, या वाइट या रेडस कलर के कुछ क्लॉट्स आ जा रहे हैं, या हम लोग कहें वहाँ पर कि फ्लेक्स आ जा रहे हैं मिल्क के, तो वहाँ पर भी ये बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है फाइब्रोनोलाइटिक के तौर पर।
अगला जो इसका यूज़ है सेरोसियोपेप्टिडेज का, वो एंटी एडीमिक के तौर पर भी यूज़ हो रहा है। तो एंटी एडीमिक का मतलब क्या होता है? इडीमा। तो इडीमा का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी वाटर जो सिक्रीशन होना चाहिए, मतलब जो कोई भी फ्लूड सिक्रीशन उसका होना चाहिए, तो वह अपनी बॉडी से क्या हो रहा है, सिक्रीट नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग देखते होंगे एडीमिक कंडीशन कैसी होती है। आप कहीं पर भी कोई स्वेलिंग हो, आप उसको आप वहाँ पर प्रेस करें और प्रेस करने के बाद अपना आप हाथ हटाएंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कुछ देर बाद जो वो गड्ढा है वहाँ पर वो गड्ढा बन जाएगा और कुछ देर बाद धीरे धीरे करके वह गड्ढा भरेगा। तो अगर इस प्रकार की कंडीशन कहीं पर भी आप लोग देख रहे हैं तो वहाँ पर वह एंटी एडेमिक कंडीशन आ जा रही है। तो उस एंटी एडेमिक कंडीशन में ये मोस्टली कहाँ पर होती है? अडर में होती है, या कभी कभी पशुओं के पैरों में भी देखने को कभी कभी एडीमिक केसेस मिल जाते हैं। अब एडीमिया के पीछे कई चांसेस हो सकते हैं, वो चांसेस आपको आपके पशु चिकित्सक बताएंगे, क्योंकि ये मेरा जो वीडियो है वो पर्टिकुलर फार्मासिस्ट भाइयों के लिए है, क्योंकि हमारे फार्मासिस्ट भाई अगर दवा डिस्पेंस कर रहे हैं तो उनको कम से कम इतना मतलब नए प्रोडक्टों की जानकारी होना चाहिए, क्योंकि फार्मासिस्ट ही क्या करता है, ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड करता है ज़्यादातर। तो इसलिए मेरा ये वीडियो है। तो ये अडर के इन्फ्लामेशन को भी कम करने के यहाँ पर वर्क में कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, एंटी बायोफ्लेमिक एक्शन। एंटी बायोफ्लेमिक एक्शन का क्या मतलब है वहाँ पर, कि कभी कभी क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होता है वो एंटीबायोटिक्स से बचने के लिए बायोफ्लेम बना ले रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर सेरोसियोपेप्टिडेज दे रहे हैं तो वो क्या हुआ है, जो बैक्टीरिया की बायोफ्लेम है उसको ब्रेक कर रही है, और उसके बाद वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर जो रिजल्ट हैं एंटीबायोटिक्स के वो बढ़ जा रहे हैं। तो यहाँ पर आइए जान लेते हैं कंपनी के हिसाब से क्या क्या गाइडलाइंस यहाँ पर इन्होंने दी हैं। डिजॉल्व बायोफिल्म्स इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के समय जो बायोफिल्म्स हैं उनको क्या कर देना चाहिए, वो क्या कर देते हैं, ये जो सेरोसियोपेप्टिडेज है इसका जो एंटी बायोफ्लेमिक एक्शन है वो क्या कर रही है, डिजॉल्व कर दे रही है। जो बैक्टीरिया की जो बायोफिल्म बना लेते हैं ना बचने के लिए, कुछ बैक्टीरिया बहुत चालाक होते हैं, वो एंटीबायोटिक के बार बार यूज़ के बाद भी वो बच जा रहे हैं। तो वही कई सारे उसके प्रोसेस हैं, तो उन प्रोसेस में एक प्रोसेस है बायोफिल्म प्रोसेस, तो वहाँ पर ये बताया गया है। तो यहाँ पर एंटीबायोटिक की एफिकेसी भी इस दवा को देने के बाद बढ़ जा रही है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों पड़ा हुआ है सिट्रिजिन। सिट्रिजिन की यहाँ पर जो पोटेंसी पड़ी हुई है वह पड़ी हुई है 100 mg। तो सिट्रिजिन क्या है, एक एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, मतलब एंटी हिस्टामाइन, मतलब एंटी मतलब अगेंस्ट में, और हिस्टामाइन मतलब हिस्टामाइन। तो हिस्टामाइन क्या करते हैं, हिस्टामाइन अपने या कहें या अपने पशुओं कहें उनके शरीर में टिशू में जनरेट होता, टिशू में होता है, और जैसे ही कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कुछ भी इस प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी टाइप की रिएक्शन होती है तो वहाँ से हिस्टामाइन रिलीज होकर के तुरंत क्या करता है, पेन फीवर एंड इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, ठीक है। और वहाँ पर उसके साथ इचिंग भी कॉज हो जाती है कभी कभी, कई सारे उसके अन्य सिम्टम्स हैं, तो उनको आप अपना एंटी हिस्टामिनिक चैप्टर से आप लोग उसको कंफर्म कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे कंट्रोल्स इचिंग एंड प्यूराइटिस, मतलब वहाँ पर जो इचिंग है यानी खुजली वगैरह है उसको भी ये कम करेंगे, और वहाँ पर क्या करेंगे जो एलर्जी है उसको भी कम करेंगे, उसके बाद यहाँ पर प्यूराइटिस को भी क्या करेंगे कम करेंगे। उसके बाद सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ एनिमल ड्यूरिंग हीलिंग ऑफ ओपन वाउंड, मतलब अगर कहीं पर भी ओपन वाउंड है मतलब खुला हुआ घाव है, अगर वो भर नहीं पा रहा है तो वहाँ पर क्या करेगा, कुछ सिम्टोमेटिक रिलीफ में वर्क करेगा। मतलब अगर आपका जो घाव है या आपके पशु का जो घाव है अगर वहाँ पर क्या है इचिंग, मतलब रेडनेस है, स्वेलिंग है, इचिंग है हो रही है, तो बार बार अगर इच करेगा तो क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा, दिक्कतें बढ़ जाएंगी, घाव धीरे धीरे बढ़ेगा भरेगा। मगर अगर आप वहाँ पर सिट्रिजिन दे रहे हैं तो सिम्टोमेटिक रिलीफ आपको अच्छे मिल जाएंगे, मतलब वहाँ पर जो वाउंड हीलिंग का प्रोसेस है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जा रहा है, वहाँ पर इचिंग कम हो रही है और थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन भी डिक्रीज हो रही है, एलर्जी भी कम हो रही है, तो वहाँ पर क्या हो जा रहा है, आप उसको खुजलाएंगे नहीं या टच नहीं करेंगे, इस प्रकार से जो चीज़ें होंगी उसके कारण यहाँ पर जो वाउंड हीलिंग का प्रोसेस है वो भी अच्छा हो जाएगा। फिर अब इसको और कहाँ कहाँ पर हम लोग दे सकते हैं, हीलिंग ऑफ ओपन वाउंड, मतलब जो खुले हुए घाव हैं उनको भरने के लिए हम लोग दे सकते हैं, या कहीं पर एब्सेस हो गई है वहाँ पर भी दे सकते हैं, अगर एलर्जिक एब्सेस है या डॉक्टर जिस कंडीशन के कारण प्रिस्क्राइब करना चाहे तो वहाँ पर एब्सेस है, FMD हो गई मतलब फुट माउथ क्योर डिसीज हो गई, मतलब फुट माउथ डिसीज हो गई, और LSD हो गई मतलब लंपी स्किन डिसीज हो गई। उसके बाद यहाँ पर जो मैग्नीशियम ट्राइसल्फेट दिया गया है दोस्तों, ये क्यों लिए, इस ये किस लिए दिया गया है, तो देखिए मैग्नीशियम ट्राइसल्फेट है तो यहाँ पर आ जाता है मैग्नीशियम का जो आयंस है वो मेनली वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, तो वह कर रहे हैं
इंटरसेट पर, मतलब देखिए आप एनएसआईडी देंगे तो वहाँ पर क्या होगा, जो स्टोमक है वहाँ पर एसिड सिक्रेशन बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, थोड़ी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम संबंधित चीज़ें हो सकती हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए इन्होंने यहाँ पर एमजी मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट जो लिया हुआ है उसको यहाँ पर इन्होंने एंटासिड एक्शन के तरीके भी यूज़ किया है, मतलब ये एंटासिड एक्शन देगा, मतलब वहाँ पर अगर उसको गैस वैस भी बन रही है इन सब दवाओं के कारण तो वह गैस भी डिक्रीज करेगी, और वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर इंक्रीजेज वाउंड हीलिंग बाय कोलेजन सिंथेसिस। मतलब यहाँ पर देखो मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट का एक अलग यूज़ और आ रहा है, कोलेजन सिंथेसिस कर रहा है, तो कोलेजन सिंथेसिस करेगा जिसके कारण क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो वाउंड हीलिंग का प्रोसेस है वो बढ़ जाने वाला है। तो आई होप आपको दोस्तों ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो में कहीं पर भी कोई भी गलती हो जा रही है तो आपको हमें क्षमा कर देना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर फार्माकोलॉजी का भी थोड़ा सा यूज़ किया गया है, और मेरे हिसाब से मैंने अच्छा किया है। और अगर भाई देखिए ज्ञान अनंत है, अगर आप इससे अच्छा कर सकते हैं तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर हम लोग इसकी बात करें एमआरपी की, तो दोस्तों इसकी एमआरपी है, जो एक बोलस की एमआरपी है वह दोस्तों है 155 रुपये, और अगर इसके वर्ड की बात करें तो MEGLU AST मेग्लूलास्ट और SCM बोलस, तो मेग्लूलास्ट SCM बोलस इसका नाम है, मैन कैंड इसकी कंपनी है। एक बोलस की कीमत 155 रुपये है और यह इन सब चीज़ों में काम कर रही है। इसके बाद ये और कहाँ कहाँ पर काम कर रही है दोस्तों, तो आप देखो आप देखते हैं जो मैंने कंडीशन बताई, इडीमा बताया या बायोफिल्म का फॉर्मेशन बताया या मैंने बताया इन्फ्लामेशन बताई है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर, या एंटीबायोटिक का जहाँ पर बार बार इंट्रोडक्शन करना पड़ रहा है, उन सब जगहों पर इसका उपयोग अच्छा है। मगर इसका उपयोग केवल और केवल वेटनरी ऑफिसर ही करेंगे, उनके ही प्रिस्क्रिप्शन पे आपको देना है और उन्हीं की प्रिस्क्रिप्शन पे दवा दी जाएगी। उसके बाद ये कहाँ कहाँ पर काम करेगी, तो ये करेगी मेस्टाइटिस में, मतलब थनैले में करेगी, मेट्राइटिस में करेगी, मतलब जहाँ पर बच्चेदानी का इन्फेक्शन हो जाता है बहने के बाद, या कई डॉक्टर अपना अलग अलग यूज़ कर सकते हैं प्रेगनेंसी में, अगर सेफर इंडेक्स है अगर इसका, देखिए NSAID ज़्यादातर तो प्रेगनेंसी में सेफर नहीं होते हैं, मगर कंपनी कह रही है कि ये प्रेगनेंसी में सेफर ड्रग है, तो हम लोग इसको प्रेगनेंसी में सेफर मान के चलते हैं। बाकी अपना काम जो है, हम लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है, बाकी जो काम है वो वेटनरी ऑफिसर आपको खुद प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर इसकी एक बोलस की प्रतिदिन की डोज होती है, या जो डोज होगी वो डायरेक्टेड बाई वेटनेरियन होगी, मतलब जो वेटनेरियन होंगे वो उसकी डोज को डायरेक्ट करेंगे। तो आई होप आपको दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और मैं अपने सभी जो डॉक्टर बंधु हैं उनको प्रणाम भी करता हूँ, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से सारा ज्ञान आ रहा है, और सभी फार्मासिस्ट भाइयों को नमस्कार, हार्दिक आभार आप लोगों का आपके बहुत इंपॉर्टेंट टाइम के लिए। वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल।